बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद नसरुल्ला है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूरोलॉजी में, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद जो है ना, बहुत सारे कॉमन सवालों के जवाब देना है। मतलब मुझे कॉमनली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेशेंट्स के, तो स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी कुछ वीडियोज़ में अब उनके आंसर देना चाह रहा हूँ कि सबसे कॉमनली लोग मेरे से इम्प्लांट के मतलब पूछते हैं, पेनाइल इम्प्लांट क्या चीज़ है। पेनाइल इम्प्लांट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेनिस के अंदर डाल जाता है और उन लोगों के लिए होता है जिनमें इरेक्शन बिल्कुल नहीं हो रही होती। हर पेशेंट पेनाइल इम्प्लांट का कैंडिडेट नहीं होता। तो पेनाइल इम्प्लांट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो मैलिएबल, जो पेनिस के अंदर फिक्स हो जाते हैं, और एक होते हैं थ्री पीस पेनाइल इम्प्लांट्स। आगे इनकी बहुत सारे सब टाइप्स हैं। जो दो टाइप्स हैं वो हैं, एक तो इम्प्लांट होते हैं जो मैलिएबल होते हैं। मतलब मैलिएबल इम्प्लांट का मतलब है इस तरह का इम्प्लांट जो पीनस के अंदर के लिए डाल जाते हैं, पेयर होता है जो पीनस के अंदर डाल जाता है, और इसको आप नीचे भी मूव कर सकते हैं, ऊपर भी मूव कर सकते हैं, सीधा करते हैं तो इरेक्ट हो जाता है, बिल्कुल इरेक्शन में आ जाता है। पहले जमाने में मैलिएबल इम्प्लांट जो है इनको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए कि जो मैलिएबल इम्प्लांट होते थे ये वाइड होते थे, टूट जाते थे, इनका मटेरियल अच्छा नहीं होता था। अभी भी जो चाइनीज कुछ इम्प्लांट आते हैं या इंडियन आते हैं वो इस तरह के होते हैं, लेकिन अब जो डिफरेंट कंपनीज के इम्प्लांट आ रहे हैं इस वक्त हमारे पास, जैसे टेक्ट्रा हो गया, स्पेक्ट्रा हो गया, उसके बाद कोलप्लास्ट हो गया, और इनके फिर आगे ड्रग कोटेड इम्प्लांट्स आ रहे हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली इम्प्लांट्स, मतलब मैंने इतने फ्रेंडली इम्प्लांट्स नहीं देखे थे पहले जितने फ्रेंडली इस वक्त इम्प्लांट्स आ रहे हैं, और इनमें इन्फेक्शन का चांस भी बहुत कम होता है। इसके बाद सेकेंड जो टाइप है इम्प्लांट्स की वो है थ्री पीस इम्प्लांट। थ्री पीस इम्प्लांट जो है वो बेसिकली बैलून्स होते हैं जो पीनस के अंदर फिट हो जाते हैं, और इनका एक बटन होता है जो नीचे आप टेसिस के अंदर लगा देते हैं, और इनका रिजर्वायर होता है, मतलब एक दिन में पानी का एक बैलून होता है जिसको हम मसाने के साथ रख देते हैं। अब जो बटन होता है वो टेसिस के अंदर होता है, बटन को दो दफा दबाएं तो पानी जो है वो पीनस के अंदर जो बैलून है उनके अंदर चल जाता है और पीनस खड़ा हो जाता है। और जब आप सेक्स कर लेते हैं तो आप उस बटन को दोबारा दबाते हैं और वो पानी जो है वो उससे वापस उसी बैलून में चला जाता है, पीनस के बैलून से वापस उस बैलून में चला जाता है जो हमने मसाने के साथ रखा होता है, यानी कि पीनस नीचे बैठ जाता है। तो इसको कहते हैं थ्री पीस इम्प्लांट। एक इसमें पहले आता था एम्बुलेटरी इम्प्लांट भी, लेकिन एम्बुलेटरी इम्प्लांट जो है वो अब आजकल आता ही नहीं है। एम्बुलेटरी इम्प्लांट का बार ये मैं बता देता हूँ कि उसमें जो पानी की जो रिजर्वायर थी जिसमें पानी इकट्ठा होता था वो बिल्कुल इम्प्लांट के नीचे ही होता था। तो मैंने आज तक एम्बुलेटरी इम्प्लांट जो से हैं वो निकाले हैं, डाले कभी भी नहीं है, क्योंकि वो उसको ऑब्सोलीट हुए भी मेरे ख्याल को 15 साल हो गए हैं। तो आजकल सबसे ज्यादा जो इम्प्लांट डाल जाता है वो या तो हम थ्री डी इम्प्लांट डालते हैं या फिर मैलिएबल डालते हैं। आप मैलिएबल इम्प्लांट और हार्ड इम्प्लांट में फर्क को फील करें। हार्ड इम्प्लांट वॉयड इम्प्लांट होता है, जो मैलिएबल इम्प्लांट होता है ये मूवेबल इम्प्लांट होता है, ये बहुत हार्ड नहीं होता, ये मूव करता है अपनी जगह पे, और ये बड़ा फ्रेंडली है। इसमें पहले वायर आती थी, अब इसमें रिंग्स आते हैं, सिलिकॉन रिंग्स होते हैं और सिलिकॉन का बना होता है, इसके ऊपर ड्रग्स की कोटिंग होती है। प्राइस वाइज अब पे हमारे से बहुत सारे पूछते हैं कि प्राइस क्या है इम्प्लांट की, तो इम्प्लांट की प्राइसेस बहुत वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कि इम्प्लांट कौन सा आप डलवा रहे हैं। चाइनीज और इंडियन इम्प्लांट आते हैं, कुछ लोग डालते भी हैं उनका, मतलब सबसे ज्यादा जब मैं इम्प्लांट निकालता हूँ लोगों के डले हुए वो होते हैं चाइनीज और इंडियन इम्प्लांट्स, और वो इन्फेक्ट हुए होते हैं या टूट जाते हैं, तो उन मतलब उनके अंदर वायर होती है, तो हम उनको उनकी जगह फिर अच्छा इम्प्लांट डाल देते हैं। जो अच्छे इम्प्लांट हैं उस वक्त AMS और कोलोप्लास्ट के इम्प्लांट्स आ रहे हैं, जो कि उसमें फिर आगे डिफरेंट उनकी कैटेगरीज आ जाती हैं, उनमें सिंपल इम्प्लांट भी आ रहे हैं, उनमें सेमी ड्रग कोटेड भी आ रहे हैं और ड्रग कोटेड भी आ रहे हैं। इवन जो ड्रग कोटेड इम्प्लांट्स हैं इस वक्त सेमी मैलिएबल में ड्रग कोटेड इम्प्लांट, उनकी प्राइस तो काफी हाई हो जाती है, लेकिन वो 50,000 टाइम्स तक यूज किए जा सकते हैं, 50,000 टाइम्स तक। मैंने 17 साल के लड़के से लेके और 94 ईयर तक के बंदे को इम्प्लांट डाले हैं,
उसके बाद ये मैं पाकिस्तान की फिगर दे रहा हूँ आपको, और इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आ जाते हैं थ्री पीस इम्प्लांट। थ्री पीस इम्प्लांट थोड़े से महंगे होते हैं, उसमें जो कोलोप्लास्ट है उसके इम्प्लांट थ्री पीस कंपेरेटिवली थोड़ा रेंज में आते हैं पाकिस्तानियों की, क्योंकि डॉलर की प्राइस जो है वो बड़ी पाकिस्तान में मतलब रुपया डिवैल्यूएट हो गया, लेकिन इम्प्लांट तो अमेरिका नहीं है, मतलब उनके पैसे तो डॉलर्स में लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कोलोप्लास्ट का रेंज में होता है इसलिए लोग डलवाते हैं। तो बड़ा अच्छा इम्प्लांट है कोलोप्लास्ट का और थ्री पीस जॉन्स है। उसमें जैसे मैंने बताया कि नीचे बटन लगा होता है, बटन को आपने वो बटन टेस्टिस के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, और ऑपरेशन करके इम्प्लांट डाल जाता है। उसको आपने दो दफा प्रेस करना, पीनस खड़ा हो जाएगा, एक दफा प्रेस करेंगे पीनस बैठ जाएगा। उसके बाद दूसरा हम डालते हैं AMS 700। AMS भी अमेरिकन कंपनी है, AMS का इम्प्लांट ज्यादा महंगा हो जाता है, तो उसको पहले लोग डलवाते थे ज्यादा, लेकिन अब कम लोग डलवाते हैं उसको। लेकिन फिर भी इम्प्लांट पाकिस्तान में अब तो ऑरिएंटेशन लोगों को काफी आ गई है डलवाने की, और काफी लोग अब इम्प्लांटेशन करवा रहे हैं। तो इसमें मतलब मुझे क्वेश्चन आते हैं इम्प्लांट की प्राइस के, इम्प्लांट की प्राइस जो है ना रेंज कर जोनसी मतलब डाल के, इम्प्लांट को डाल के टोटल हॉस्पिटल में दाखिल होने से लेके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक जो खर्चा है वो कुछ जो चाइनीज और ये है इंडियन इम्प्लांट इनका 5-6 लाख तक होता है, जो ब्राजीलियन और अमेरिकन है इनका 8-9 लाख रुपए तक होता है, और जो थ्री पीस है इनका 18-19 लाख तक होता है। इसमें इम्प्लांट की कीमत शामिल है, मतलब बेसिक प्राइस इम्प्लांट की होती है जो पेशेंट ने खुद पे करनी होती है, तो बाकी जो प्राइस है वो इसके बीच में मतलब हॉस्पिटल स्टे भी शामिल है इसके बीच में, बाकी दवाइयाँ भी शामिल है, तो वो सारा कुछ इसके बीच में इंक्लूडेड है। अगर आप AMS पे आ जाते हैं तो AMS का इम्प्लांट जो है वो इस वक्त सबसे महंगा है थ्री पीस में, तो लेकिन AMS और कोलोप्लास्ट के थ्री पीस में कोई खास फर्क नहीं है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि इसकी मतलब क्वालिटी में कोई खास फर्क नहीं है। दूसरी बात, इम्प्लांट में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इम्प्लांट में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम इम्प्लांट डाल रहे हैं आज तक सिर्फ एक पेशेंट ऐसा है हमारा जिसमें जिसको इम्प्लांट निकलवाना पड़ा था, वो भी इन्फेक्शन नहीं थी उसको, कॉम्प्लिकेशन थी उसको, इरिटेशन थी इम्प्लांट की, तो अल्टीमेटली उसने इम्प्लांट थ्री पीस निकलवा के और लेटर ऑन उसने हमसे स्पेक्ट्रा डलवाया, और स्पेक्ट्रा के साथ ही इसको वेल, क्योंकि दोनों का मटीरियल बिल्कुल फर्क हो जाता है, तो उसको लेटेक्स एलर्जी थी बेसिकली, बाकी किसी पेशेंट में इम्प्लांट निकालना नहीं पड़ा। थ्री पीस इम्प्लांट जो होता है इसकी लाइफ आमतौर पर 15 साल होती है, लेकिन जो वेरिएबल इम्प्लांट आ रहे हैं वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि 50,000 टाइम तक यूज किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।